हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ये आज की लास्ट वीडियो है एंड बात करें आज के दिन की तो तीन वीडियो ऑलरेडी आ गई है तीनों वीडियो को जाके देखिए बेहतर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल तो एक बार जाके इन वीडियो को चेकआउट करिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट सिंपली आपको सीखना है सीखने के लिए कोई ज्वाइन बटन नहीं है कोई पैसे नहीं लिए जाते बट यहाँ पर सिखाया जाता है और ट्यून नॉलेज आपको दी जाती है तो यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर प्लेट को गो थ्रू करिए इतने सारे स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर फंडामेंटल्स आपको बता रखिए यहाँ पर चेक करिए एज वेल एज इस वीडियो में आपको वो स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो मैं कल खरीदने वाली Non. टुमारो आई एम गोइंग टू बाई पर्टिकुलर स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स है क्या उसके फंडामेंटल्स है क्यों मैं खरीदने जा रहा हूँ तो उस, उससे रिलेटेड पर पर वीडियो वीडियो है तो आ, यहां पर वीडियो में बने रहिए और जानिए बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरे वीडियो को जाइए उन्हें लाइक करिए और देखिए उन वीडियो को प्ले लिस्ट को थ्रू करिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं और जिस स्टॉक्स को खरीदने जा रहा हूँ उसके पीछे रीजन है और अगर

ये एक डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है और ये कंपनी अगर हम बात करें तो एक ऐसी कंपनी है कि जो कि इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड uh, पोर्टफोलियो क्यों है क्योंकि ये कंपनी जो बात कर काम करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक एलईडी में काम करती है होम अपलाइंसिस लाइक वॉशिंग मशीन में लाइट प्रोडक्ट एलईडी बल्ब में ये कंपनी काम करती है ट्यूबलाइट डाउन डाउन लाइटर्स मोबाइल फोन स्मार्टफोन ये बनाती हुई नजर आती है एप्पल के लिए फोन बनाती हुई नजर आती है एफ आम नॉट रॉन्ग एज वेल एज एस सैमसंग के लिए बनाती हुई नजर आती है

वेन्यू आती हुई दिखाई देती है और 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कवरिंग 12 लाख स्क्वायर फीट स्प्रेड अक्रॉस द नेशन और 11 मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर नजर आती है यहाँ पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स अक्रॉस विदिस मतलब काम करती हुई नजर आती है पीएलआई स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर पीएलआई uh, स्कीम्स का बहुत फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है अगर बात करें एलईडी में यहाँ पर पीएलआई स्कीम्स का इन्हें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा ये मोबाइल से रिलेटेड भी यहाँ पर आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर पी एल आई स्कीम से रिलेटेड मतलब दो तीन सेक्टर्स में यहाँ पर ये पी एल आई स्कीम का फायदा लेते हुए नज़र आ रही है कंपनी एनहांसिंग हॉराइजन की बात करें न्यू मोबाइल मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री फैक् ट्री हैज बीन सेटअप एंड इज अंडर ट्रायल फेज मतलब ट्रायल फेज में जिसमे दो सौ सॉरी बीस मिलियन स्मार्टफोन स्मार्ट बनाए जाएंगे टारगेटे uh, uh, भी है तो कंपनी की बात करें कंपनी काफी अच्छी है और बात करें यहां पर देखिये भारतीय मतलब एयरटेल आपने सुना होगा भारती की मतलब उसे ही कहा जाता है उसके साथ मिलकर यहाँ पर ये यह शायद मॉडर्न और राउटर यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है देखिए यहाँ पर सेटअप सेटअप बॉक्स वगैरह ये यही कंपनी बनाती हुई नजर आएगी जिसमें 74 भारती का जो की एयरटेल का जाता है 26... सॉरी एंड भारती का यहाँ पर 26 तो इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है इनकी वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगी कंपनी क्या क्या करती हुई नजर आती है यहाँ पर प्रेजेंस की बात करें यहाँ पर एक बार देखेंगे

स्प्लिट के बाद 4500 तक जाता हुआ दिखाई दिया अगेन ये यह शेयर यहाँ पर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है और यहाँ पर बहुत बड़ी uh, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग टू मी यहां पर बात करें आरओसी 32% का आरओसी है 25 का आरओई है ऐसी ही कंपनी आपको मल्टीबैगर बना के दिखाती है अपने शेयर को ऐसी ही कंपनी आपको बताती है कि दे हैव समथिंग इन हिडन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर बात करें डेट की तो 21% का ही डेट है प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर प्लेज नहीं है मिड कैप की कंपनी है बाईस हजार नौ सौ दो करोड़ का यहां पर ये मार्केट कैपिटल रखती है इसके अलावा पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है बट अभी के जो रिजल्ट थोड़े से डल होते हुए दिखाई दिए जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो कि हम आ, आ, समझ सकते हैं और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंसिज ज्यादा होते हुए दिखाई दिए यहाँ पर सेल्स कम हुई थी कम होती हुई दिखाई दी थी इस वजह से नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया बट कंपनी का ग्रोथ यहाँ पर इस इन चीज़ों से नहीं रुकने वाला है यहाँ पर कुछ चीज़ों का कभी कभी क्योंकि अगर एक्सपेंसिस की बात करें दो तरीके के एक्सपेंस

एज वेल एज बात करें यहाँ पर आर ओ सी की थर्टी का आर पे कंपनी काम कर रही है और इसी की इर्द गिर्द हमेशा काम करती रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें थर्टी की होल्डिंग है थोड़ी सी प्रीवियस ईयर्स में अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें थोड़ा सा कम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया बट अगर बात करें एफ की इसकी एफ ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी थी बट इस क्वार्टर में दोबारा पॉइंट जीरो वन परसेंट की हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की बात करें उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है बट पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास थर्टी फाइव परसेंट की हिस्सेदारी है उन्होंने यहाँ पर खरीदी है और थर्टी फाइव में भी

पर भागती हुई दिखाई दी थी फिर उसका स्प्लिट आता हुआ दिखाई दिया किस तरीके से कंपनी यहाँ पर फिर भागती हुई दिखाई दी थी आ, तो यही सब चीज़ें बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पर शो करना चाहता हूं सबसे पहले आर सॉरी आर एस आई बात करेंगे आर एस पर आप देख ही रहे ये चेंज होती हुई नजर आएगी तो बीस के आर पे आ गया तो बीस के आर पे आने का मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी बेस्ट कंपनी यहाँ पर थर्टी के नीचे यहाँ पर आर पे मिल जाए एज वेल एज टू हंड्रेड डीएमए उससे नीचे मिल जाए तो ऐसे शेयरों को चूकना नहीं चाहिए ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में

की गिरावट हो चुकी है तो अगर हम देखें, सॉरी मैं एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपको देख यहां पर देखेंगे ये शेयर आज के दिन थोड़ा सा और नीचे आ गया था बट थोड़ा सा रिकवर होता हुआ नजर आया अगर यहाँ पर देखते हैं तो लगभग के नजर आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता तीन महीने से ज्यादा एक क्वार्टर से ज्यादा यहाँ लगने वाले हैं एक क्वार्टर में आपको ट्वेंटी थ्री परसेंट के रिटर्न मिल जाएंगे और वो भी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जहां पर आपका पैसा सिक्योर है थोड़ा सा शेयर यहाँ पर से गिर सकता है बट इसका मतलब कोलैप्स नहीं हो सकता तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी ये कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक्स है थोड़ा सा ये इस, इसी तरीके से परफॉर्म करती है जो कि इसकी ग्रोथ यहां देख सकते हैं किस तरीके से ये शेयर कहाँ से यहाँ पर सिक्स ट्वेंटी फोर रुपीज से यहाँ पर सैंतालीस सौ रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया आ, कितने डेढ़ साल के अंदर अंदर तो ये मल्टी बैगर स्टॉक्स की एक गाथा होती है जो आपकी देखनी चाहिए बाकी यहाँ पर अगर बात करें इसमें सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए यहाँ का दो तीन बार सपोर्ट लिया है तो यहीं पर ही आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है यहाँ से कंपनी को ऊपर ही जाना है मार्केट्स का सेंटिमेंट्स अच्छे होते जा रहे हैं तो दोबारा ये कंपनी इस तरीके से भागती हुई दिखाई देगी इसके अलावा यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर

तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कम कीमत पे अच्छी कंपनी मिल रही है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी भी करिए और तब आपको और भी ज्यादा एक अच्छी राय मिलती हुई नजर आएगी बाकी मेरी तरफ से तो हाँ है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस